सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ अलीशा एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ आइडियाज़ और लुक बुक रक्षाबंधन से रिलेटेड, कि आप अपने रक्षाबंधन पे किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं एंड किस तरीके से आउटफिट वेयर कर सकते हैं। तो अभी जो लॉकडाउन में है, रक्षाबंधन ज़्यादा लोग नहीं लेंगे ज़्यादा कोई नए कपड़े, तो अगर आपके पास अपने पुराने कपड़े भी हैं सो उनको भी आप अलग अलग तरीके से पेयर अप करके बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से वेयर कर सकते हैं। एंड कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, आप प्लाजो पे टॉप पहन सकते हैं, स्कर्ट पे टॉप पहन सकते हैं एंड कैसे आप कुर्ते के साथ क्या कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट टच हैं। सो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लेना, और जो भी फेवरेट हो आपकी इसमें से लुकबुक में से जो भी आइडिया वो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ड्रेस के लिए यहाँ पे मैं प्लेन सिंपल प्लाजो के साथ एक क्रॉप टॉप वेयर कर रही हूँ एंड आप कोई भी प्लेन प्लाजो के साथ या फिर कोई प्लेन पेंट्स के साथ आप वेयर कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी जो कढ़ाऊ टॉप हो, या फिर आप चिकन करी की भी हैवी वाली जो टॉप्स होती हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो टॉप होना चाहिए वो थोड़ी सी हैवी होना चाहिए एंड आप सिंपल प्लाजो या पेंट्स के साथ उनको वेयर करेंगे सो बहुत ज़्यादा अच्छा एंड स्टाइलिश लुक आएगा एंड ऐसे अच्छा भी लगेगा एंड फुल डे आप कैरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकेंड ड्रेस की तरफ। सो सेकेंड ड्रेस में आपको अपनी वार्डरोब में से कोई भी मिडी ड्रेस या फिर मिनी ड्रेसेस होती हैं जो आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो आपको अपनी कोई भी एक ड्रेस लेना है एंड उसके साथ आप प्लाजो वेयर कर सकते हैं। प्लाजो के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट भी हो जाएगा एंड ज़्यादा सी थ्रू भी नहीं होंगी। सो आपकी जो भी शॉर्ट ड्रेसेस के साथ प्लाजो के साथ आप वेयर करें सो बहुत ज़्यादा अच्छा एंड मॉडर्न लुक आएगा एंड उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल भी रहेगा, तो आप ऐसे वेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक ब्लू ड्रेस के साथ अपना गोल्डन प्लाजो के साथ वेयर किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट थर्ड आउटफिट के लिए आप कोई भी अपना फुल फ्रॉक वाली ड्रेस वेयर कर सकते हैं, कॉटन की, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है एंड उसके साथ साथ कॉटन है तो फुल डे आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। एंड रक्षाबंधन के लिए ऐसे जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। फुल लेंथ की ड्रेस है ये, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। फोर्थ एंड लास्ट बट ऑन द लीस्ट आउटफिट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक टॉप क्रॉप टॉप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लोरल स्कर्ट वेयर किया है। सो आपके पास काफ़ी सारी स्कर्ट होंगी जो आप अपनी क्रॉप टॉप्स के साथ वेयर कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी टॉप हो जो आपने कभी स्कर्ट के साथ नहीं वेयर की है, काफ़ी सारी टॉप्स हैं होंगी आपके पास जो आपने सिर्फ जीन्स के साथ वेयर की है सो आप उसको भी वेयर कर सकते हैं। एंड क्रॉप टॉप नहीं है तो आपकी अगर लॉन्ग टॉप है सो आप उसको टक कर सकते हैं अपनी जो भी स्कर्ट में। सो काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे चारों एंड आप कोई भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी लगी आपको वीडियो, आप इन आउटफिट्स को रक्षाबंधन के साथ साथ ईद में भी कैरी कर सकते हैं एंड अगर जो भी लोग ईद में कपड़े नहीं लेंगे नए, एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं लेंगे बिकॉज लॉकडाउन है एंड इतना ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए, सो आपके पुराने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े होंगे आपके वार्डरोब में जिसको आप डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो देख के कुछ न्यू आइडियाज़ आए होंगे जैसे आप वेयर कर सकते हैं अपने न्यू कपड़ों को। सो वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करना सो मेरी जो भी न्यू वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड फेवरेट आउटफिट का कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।